अजुनी सपंगुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण सहे सहाण गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत तव सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत राख लेहो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हो अभमान टेढ़ पगरी अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्हें निवाज साज हम किए तिसै बिसार अवर लगरे संधक तोहे साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत कालो हो जम की खबरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत कालो हो जम की खबरी हम अवगुण परे एक गुण अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम सुत दारा स्यों एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तेह मिलंत एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास सुकहो टल गुर सेविय अहनस दर्शन परसे गुरु का मरण दुख जाए हो सिफत खसम दि नूर अर सोह कुर सोह तुद डठे सच्चे माल जन्म जन्म दी कटिया सजना सच्चा पातशाह सिर साहद शाह जिस पास बैठया सोहिया सब नादा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ सो कहियत है सूरा आत्म जिना सगल वस ताक जाका सतगुर पूरा जा कौ हर रंग लागो इस जुग महै सो कहियत है सूरा आत्म जिना सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाउ जन के चरण वसह मेरा ही यरा संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही जन के चरण वसह मेरा हियर है संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा नित नानक का सुख एही वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तन 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 श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नदयावै ताए सब थाई होए सहाय। सतगुरु नौवें पातशाह दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च अमृत वेले दे सजे हुए दीवाना च एकत्र होए गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी ओ धनता दे पात्र हो गुरु चरणा विच जुड़ के सतगुरां दे दर्शन दारे परस के अपने जीवन नूं कृतार्थ कर रहे हो। सरबासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी सिंघां दी रसना तो बहुत ही अदब सत्कार शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हन। अमृत वेले पावन पवित्र श्री मुख वाक दी दात सतगुरां ने बख्शिश कीती है। आओ अपनियां सुरतियां बिरतियां गुरु पातशाह दे पवित्र चरण कमलां नाल जोड़िए। कल सुभागी बसंत पंचमी का दिहाड़ा आ रहा है। बसंत पंचमी के जोड़ मेलिया नूं मुख रखदे अज तो यह दीवान प्रारंभ हो चुके हैं। ओ पवित्र दिन जिस दिन नौवें पातशाह ने इत्थे बैठ के संगतां नूं बख्शिशां कीतियां वर प्रदान कीते सरोवर विच अपने चरण पा के बचन कीता जो इत्थे इशनान करेगा बसंत पंचमी वाले दिन तिस नूं 68 तीर्थां दे इशनान दा पुन प्राप्त होवेगा।
वरद ते के गुरसिखां दी राजधानी होवेगी, सिख आबादी बेअंत होवेगी। नाले भी बख्शिशां कीतियां इत्थे गुरु के लंगर चलाओ और गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करो। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਇਆਨਿਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ, ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ, ਜੋ ਤਾਰੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਰੇ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਐਸਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 5-7 ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਵਿਰਤੀਆਂ, ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੁਚੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਯੁੱਗ ਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਕੇਵਲ ਲੇਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਸੱਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਯੁੱਗ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੇਵਲ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥ ਵਾਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਮਨ ਚੋਂ ਹੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਦੈਤਾ ਤੇ ਕਸਾਈ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਦਕ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ।
कोई लड़ाई पढ़ाई करके ओदी निर्विरती लई किते पहुंचदा तां उत्थे उस दी पुकार तदे सुनी जाएगी जे ओ कुछ हाजर करदा। तो इस प्रकार दा वर्तारा ए कलिकाल दे समें दे विच वर्त रहा है, जिथे जीव अपने किरदार तो अपने करैक्टर तो डिग के भ्रष्ट हो रहे ने, जिथे लोकां दी रुचि विकारां वाले पासे वध है, परमार्थ वाले पासे बहुत घट। एहो जे युग विच, एहो जे समय विच, जिथे कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार हो रहा है, एहो जे समय विच जिथे हर पासे कूड दी अग्न प्रचंड होके प्रबल हो रही है, एहो जा कलिकाल दा समा जिथे जीव केवल पदार्थवादी हो गए और स्वार्थ सिद्धि वास्ते एक दूजे नाल जुड़े हुए ने, ऐसे कलिकाल दे समय विच अगर किसे नूं निरंकार परमेश्वर दी भगती दा रंग लग गया, वो परमार्थ दा पांधी हो गया, निरस्वार्थ हो गया, समाज दे भले वास्ते संसार दे विच बिना किसे स्वार्थ तो उभर के आ रहा है, ता उन्हूं कहांगे भी वह सूरमा है। धन गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं वह सूरमा। फिर होर विचार करिए, मनुख दी जिंदगी नूं मनुख ने इन्ना ज्यादा रुझा लिया है कि वेल नहीं है, गृहस्थी है, गृहस्थी नूं काम धंधिया विच भी प्रवृत्त होना पैंदा है। उस समय दे दौरान सारा दिन मशक्कत घालण तों बाद शाम नूं जिस वेले आके सौंदा है ते शरीर टुटिया होया, निटाल होया होया, ते हिम्मत करके अमृत वेले उठ के इशनान करके नितनेम करदा ते पातशाह कहिंदे ओह भी सूरमा है, अपने रुझेवें भरे जीवन विच्चों कुछ समा सतगुरां दी संगत वास्ते कढ़ के गुरदेव दे दर्शना वास्ते गुरु चरणा च हाजर हुंदा है, कथा सुनदा, कीर्तन सुनदा, गुरबाणी पढ़दा है, तां उह सूरमा है। क्योंकि कली काल दे ऐसे समय विच ऐसा रंग लगना परमेश्वर दी भगती दा, इह सूरमिआं दे हिस्से आया है। नहीं तो इस समय दे विच जीवां दे हिरदयां च विकारां दा रंग वेखण नूं मिलदा है, काम दा रंग, क्रोध दा रंग, लोभ दा रंग, अनेक प्रकार दे विकारां दे रंग दे विच बहुत सारे संसार दे रंगां विच जीव रंगे हुए नजर आउणगे। पर जिन्हां नूं इहो जे युग विच निरंकार परमेश्वर दी भगती दा रंग लग गया तां उह सूरमा है। सूरमा उह है जिहड़ा अपने मन नूं जित लैंदा है, अपने मन पिछे नहीं चलदा, मन नूं अपने पिछे टोर लैंदा, उह सूरमा। और कली काल दे समें विच इस युग विच जिस नूं निरंकार परमेश्वर दी भगती दा रंग लगा उह सूरमा है। आत्म जिणै सगल वस ताकै, जा का सतगुर पूरा। आत्म जिणै दा मतलब हुंदा मन नूं जित लेना, आत्म दा इत्थे अर्थ करांगे मन, जिसने मन नूं जित लिया, मन ते काबू कर लिया, सब कुछ उहदे वस विच हो जांदा है। मन एक ऐसी शक्ति है कि जिस विच मिलदी है उसे दा रूप हो जांदी है। और जिन्हां ने मन जित लिया सब कुछ उन्हां दे वस विच आ जांदा। मन काबू विच ना होवे तां फिर एक कामी भी हो सकदा, क्रोधी भी हो सकदा, लोभी भी हो सकदा, हंकारी भी हो सकदा, ईरखालू भी हो सकदा, निंदक भी हो सकदा, चुगलखोर भी हो सकदा है। जे मन वस विच आ जावे तां फिर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना हंकार है, ना ईरखा है, ना द्वेष है, फिर सब वस आ गया। मन ते कंट्रोल नहीं तां फिर सब कुछ सब पासे दौड़ेगा। जे मन काबू विच आ तां फिर ये भी सारे काबू विच आ जांदे, सगल वस ताक है।
तदे गुरु बाबा जी कहें दे मन जीता जग जीत, मन जित लिया तां जग जित लिया, मन रिप जीते सब रिप जीते, जे मन रूपी दुश्मन नू जित लिया तां सारे दुश्मन जित ले। कलगीधर स्वामी जी ने श्री दसम बाणी विच एक अवतार की कथा लिखी है, उदा नाम है पारसनाथ। पारसनाथ बड़ा वड्डा राजा है। कलगीधर स्वामी कहिंदे इतना वड्डा राजा कि देश दे सारे राजे जित के अपने अधीन करके सब नू कैद कर लिया। किसे ने आख्या कि जे तू अपना राज सत्य सदैव रखना चाहना तो इन्हां राजयां नू मार के उन्हां दी आहूति दे के नृप मेध यज्ञ कर, एक वखरा यज्ञ। असव मेध यज्ञ बड़े हुंदे ने, गज मेध यज्ञ बड़े हुंदे ने, पर नृप मेध यज्ञ जिन्हां विच राजयां दे शरीर दी चरबी दी आहूति दे के यज्ञ करना, बाद शर्त है कि तेरे देश विच कोई राजा ऐसा रह ना गया होवे जिन्हों तू ना जित सकया होवे। सारे राजे जित ले, अधीन कर ले, किन्ना बली होवेगा। कैद करके सारे राजयां नू इकट्ठियां कर लिया स्पष्ट करन वास्ते कि इन्हां राजयां विचों शायद कोई ऐसा राजा रह ना गया होवे जिहड़ा मेरी निगाह ते ना चढ़िया होवे। उन्हां सारे राजयां नू पुछदा भी जे तुहाडे विचों मैनू कोई दसेगा भी कोई ऐसा राजा रह गया होवे जिन्हों मैं ना जित सकिया होवां, दस देगा तां मैं उन्हूं जिउंदा छड़ देंगा। उन्हां राजयां विच इक ज्ञान देव नाम दा राजा, कलगीधर स्वामी लिखदे, ज्ञान देव राजा कहिंदा हे पारसनाथ, एक राजा है जिस नूं तू नहीं जित सकिया। हुण उह ज्ञान देव राजा ते गुरु साहब सच्चे पातशाह दा बनाया पात्र है। असल विच ज्ञान होवे तदे पता लगदा। एक राजा है जिसनू तू हाले तक नहीं जित सकिया, उरा जिन्ने तू साडे वर्गे राजे जिते ने तां कुछ भी नहीं, वो सब तो बली राजा है। कहिंदा दसो किथे है देश उहदा, रहिंदा है किथे, किन्नी क फौज आ उहदे पास, किन्नी क सैना है। वो कहिंदे इहदे बारे मैं नहीं दस सकदा, मच्छंदर नाथ दस सकदा, मच्छ दे पेट दे विच बैठा तप कर रहा है, जाल पा के उस मच्छ नू बाहर कढ के वो मच्छंदर नाथ नू बाहर लियांदा। कहिंदा हे नाथ दस केड़ा है वह राजा जिसनू मैं नहीं जित सकिया। तां मच्छंदर नाथ बोलिया, कहिंदा जिन्ने राजे जिते ने तां कुछ भी नहीं, असल विच वो राजा बड़ा बली राजा है, बड़ा बलवान राजा, किन्नी क फौज है। कहिंदा फौज का भी हिसाब किताब नहीं, किला बड़ा वड्डा है उसका, दोरी कंध है तेरी खाई है उहदे आले दुआले, एक खाई नहीं जिस किले च रहिंदा, तेरी तीन खाइयां ने और दोहरा किला है। दोवर कोट और तेवर खाई, एडा मजबूत किला और उहदे विचों रहिंदा। कहिंदा उहदा नां की है? कहिंदे उहदा नां है मन राजा। कहिंदा उहनूं किवें जित्तां? कहिंदे हुण उहदे वास्ते भी तूं वेख किवें जित्तणा, बाकी राजे तां जित्ते ने। पारसनाथ ने बड़ी साधना कीती पर गुरु नहीं सी धारण कीता। अपने यतना नाल तप नाल मन जित्तण लई यतनशील हो रहा है पर मन काबू नहीं आया। अखीर नूं चिखा बना के समुंदर कंडे उहदे च सड़म होया पर मन नूं नहीं जित सकिया, क्योंकि गुरु की शरण च नहीं आया।
मन जिते तो सारे जिते जाते हैं, पर मन कौन जित सकता है? गुरु अर्जन साहब कहते जिन्हों का पूरा सतगुरु उन्हों के सिर ते होवे, जा का सतगुर पूरा, जिन्हों का पूरा सतगुरु उन्हों के सिर ते होवे ता ये मन जितया जा सकता है। मन जितन वाले सब कुछ जित लेंदे, सब कुछ बस कर लेंदे, वो तो पानी ते टुरदे भी वेखे जांदे ने। ये मानसी शक्ति है, और मानसी शक्ति इतनी प्रबल है, चेतन और अवचेतन दो प्रकार का मन कह सकते हैं। साइंस वाले उन्हें दिमाग कहते हैं, पर असल विच दिमाग तो शरीर का एक मास का थोथड़ा है। चेतन और अवचेतन, चेतन मन विच असियां सारा कुछ महसूस करते हैं, सानू सारा कुछ नजर आता। एक अवचेतन है, तीसरा अर्धचेतन भी है। चेतन किसे नू पहला जानिया सी, मिले सी, एकदम सामने आया, पछाण लिया। अर्धचेतन थोड़ा जा दिमाग ते जोर पाया, इनू मैं किथे मिलिया, एकदम चेते आ गया, हां ये तो फलाना है, वो अर्धचेतन। एक अवचेतन है, जिवें जिवें कोई साधना दे रंग विच रंगिया जांदा, वो अवचेतन मन जिस वेले चेतन हुंदा है, ता फिर वो तीन लोक की बातां कहे। अंधले त्रे पवन सूझिया, गुर भेट पुनीता दी शक्ति नू प्राप्त हो जांदा, वो असीम है। वो है मन नू जितण दी शक्ति। और जिस वेले कोई मानसी शक्ति नू प्राप्त कर लैंदा, सब कुछ उहदे कंट्रोल च आ जांदा। वो हुक्म करे, मीह वरसे ते मीह वरसण लग पैंदा। धन गुरु नानक साहब हुक्म करदे ने, बरसेगा ये मीह ते बरसदा है। हुक्म करदे ने, पुरखा जाओ ये चादरा रात का समय धो के सुका के लियाओ, ते अद्धी रात नू सूरे उदय हुंदा है। जन्म साखियां दे विच्चों ये प्रमाण मिलते हैं। तो जिन्हां दा सतगुरु पूरा है, वो अपना मन जित लैंदे ने, ते जिन्हां ने मन जित लिया उन्होंने सारा कुछ वस च कर लिया। आत्म जिणै सगल वस ताकै, सब कुछ उहदे वस विच हो जांदा है। जिन्हां दे सतगुरु जी पूरे हन, ओही इस अवस्था नू प्राप्त हुंदे हन। ठाकुर गाइया आत्म रंग, हे भाई अपने इस मन नू वाहिगुरु दे प्रेम दे रंग विच रंग के उहदी सिफत नू गाओ, ठाकुर नू गाओ। ठाकुर गाइया आत्म रंग, 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 ठाकुर गाइया आत्म रंग। हे भाई अपने मन नू वाहिगुरु परमेश्वर दे प्रेम दे रंग विच रंग के फिर उस ठाकुर नू गाओ, दी सिफत नू गायन करो। करनी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग, साहब दी शरण विच पवो, जो पवित्र शरण है, पावन शरण विच, पवित्र शरण विच पै के नाम त्यावो वाहिगुरु परमेश्वर दा। जिवें जिवें साहब दी शरण च पै के वाहिगुरु दा नाम त्यावोगे, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਿਜ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੱਤਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,
उस सहज दे विच तुहाडी समाई होवेगी जे तुसी सतगुरां दी शरण च पै के निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम नूं ध्यावोगे। रहाउ जन के चरण वसह मेरा हियरा संग पुनीता देही। वाहिगुरु निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर दे जो पवित्र चरण कमल हन ओ मेरे हिरदे च वसदे हन। जां वाहिगुरु दे जेड़े प्यारे जन ने उना दे चरण मेरे हिरदे विच वसदे हन। जदों निरंकार दे प्यारिया जना दे क्योंकि जन भी तां परमेश्वर रूपी हन जिन्हां ने मन वस कर लिया उपर दस आए ने ऐसी अवस्था च पहुंचे हुए रब दे प्यारे जना दे चरण मेरे हिरदे च वसदे ने जिस नाल मेरी ये देही दे विच रहण वाले नूं कहिंदे ने देही। दे विच कौन रहिंदा मन कहिंदे मेरा ये मन पवित्र हो गया पुनीत हो गया जदों रब दे प्यारे जना दे चरणा दी धूड़ी विच वसण लगा। जन की तूर देहो कृपा निध नानक कै सुख एही। हे मेरे कृपा दे खजाने वाहिगुरु जी मेरे ते तरस करो कृपा करो मैनू अपने जना दे चरणा दी धूड़ी प्रदान करो। चरण धूड़ ये वचन पंजवें गुरुदेव दे शब्दां विच तुसीं अक्सर पढ़ोगे सत पुरशां दे चरणां दी धूड़ गुरसिखां दे चरणां दी धूड़ महाराजो मैनू बख्शो मेरे लिए यही सब तो वड्डा सुख है इहदे तो वड्डा सुख कोई नहीं मेरे वास्ते यही सब तो वड्डा सुख है कि हे कृपा निध जी मैनू अपने जना दे चरणा दी धूड़ी प्रदान करो। लड़ीवार कथा राग सूही विच पंजवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब दे पावन अमृत विच बचना दी आप जी सरवण कर रहे धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र चरणा च हाजरी लगाउंदे आखो जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सूही महला पंजवा सिमर सिमर ताको हौ जीवा। राग सूही विच साहिब पंजवें गुरुदेव अमृत बचन उचारदे हन मैं अपने साहिब नूं सिमर सिमर के जीवदा हां। सिमर सिमरती नाल संबंध रखदा समरण नाल संबंध रखदा समरण आपां अगे कह मेरे समरण नहीं रही ये गल यानी कि याद नहीं रही ये याद शक्ति समरण दी शक्ति इतनी गहरी हो जाती है किते जाके कि समरण करन वाला जिस दा समरण कर रहा है उसे च एक मिक हो जाता उनू अपना आप भुल जाता उनू अपनी बिसमृति हो जाती कि मैं हां। जिस वेले कूंज उड़दी है ना उदे समरण विच ये चलता भी मेरे बच्चे मेरे नाल उड़ रहे हैं उनू यह भुल जाता कि मैं उन्हें कोहां पिछे छड़ के आई हूं उदा समरण इतना गहरा हो जाता
ਉਹ ਇਹ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਰਨ ਦੇ ਉਸ ਗਹਿਰੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਪੱਕਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਿਸਮਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂਆ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਧੀਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਸੱਦੋ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਾ ਕਉ ਹਉ ਜੀਵ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁਲ ਛਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਉਹ ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਆਮੀ। ਭਗਤ ਪਾਓ ਗਿਆਨ ਔਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਵਣਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ।
जपद्या जपद्या कई बार रसना बंद हो जाती है पर कन्ना चो सुनना सुनाई शुरू हो जाता है। माड़ा जा किते खड़ाक भी आउंदा तां उहदे विचों भी सिमरन सुनदा। बिल्कुल शांति विच जिथे कोई भी आवाज ना होवे तुसी ध्यान नाल सुनना उत्थे भी एक नाद हुंदा है और वो नाद भी परमेश्वर दा सिमरन करदा सुनाई देण लग पै। सुन सुन के भी जीवदा हां और जप जप के भी जीवदा हां। आठ पहर तेरे गुण गावा। हे वाहिगुरु जी अठे पहर मैं तुहाडे गुण गायन करदा। अठे पहर निरंतर एक रस जदों स्वास स्वास ही चिंतन हो रहा है ते फिर अठे पहर हे वाहिगुरु जी मैं तेरे गुणा नूं गाउंदा हां। पेख पेख लीला मन आनंदा। हे वाहिगुरु जी तुहाडी लीला वेख वेख के ये सारी लीला परमेश्वर दी है ना उहदी रची हुई लीला है और उहदी रची हुई इस लीला नूं वेख के मैं आनंदित हां आनंद नाल भरिया हुआ। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी एक दिन अपने बगीचे श्री अमृतसर साहब टहल रहे ने एक सज्जन उन्होंने मिलन वास्ते जा रहा है। भाई साहब बड़े कस्टर्ज के आनंद विच ने उस सज्जन उन्होंने कोल पहुंचे है। भाई साहब उत्थे बड़े आनंद विच एक फुल वल वेख रहे ने ते फुल ते भवरा बैठा हुआ। वो सज्जन कोल जाके खलो गया। भाई साहब इशारा करके हथ नाल पुछदे है ये की है। उस सज्जन ने जवाब दिता कि कुदरत दा एक हिस्सा कुदरत दा दूसरा हिस्सा उहदा रस लै रहा है यानी कि भवरा भी कुदरत है ते फुल भी कुदरत है। भाई साहब ने मत्थे ते हथ मारिया हथ नाल इदां कहिंदे नहीं की है फेरे ता गुरबाणी दी पंक्ति पढ़ के कहिंदे आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। आपे रसिया ओ भवरा रसिया देखो कितनी गहरी चली जांदी साधक दी सुरत। रसिया बन के आया होया आपे रसिया आप रस उहदे फुल विच जिहड़ा रस है वह भी आप रावण वाला जिहड़ा भौरा है वह भी वह आप उहदे विच जिहड़ा रस लैण वाला है वह भी वह आप है। इहनू कहिंदे आ वाहिगुरू की लीला वेख वेख के आनंदित होना। यह आनंद ते खेड़े की अवस्था किसी साधक के हिरदे च उपजदी है नहीं तो असी तो इस सारे वर्तारे नूं वेख वेख के खिजदे हां किरजदे हां। बड़ा कुछ है संसार च पर निरंकार दे रंग विच रंगे हुए इस लीला नूं वेख के आनंदित हुंदे ने। मेरे परमेश्वर दी रची हुई लीला है आनंद विच बड़ी उच्ची खेड है उच्ची अवस्था है। घर विच जवान पुत्र दी लाश पई है भाई पखारी जी वेख के आनंद विच ने यह भी मेरे राम दी लीला है। हां जी गुण अपार प्रभ परमानंदा। मेरे साहब दे गुण अपार हन पारावार तो रहत हन। वो परमानंद स्वरूप है परम आनंद जिस जैसा आनंद होर किते नहीं।
जाकै सिमरन कछ पौ न्या व्यापै। जिस दा सिमरन कीतिया कदे कोई पौ नहीं व्यापदा, किसी भी प्रकार दा डर नहीं व्यापदा। सदा सदा नानक हर जपै। महाराज पंचम पातशाह कहिंदे मैं सदा 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 अठे पैर उस देश नाम नू हरी नू जपदा हां। तुही महला पंजवा गुर का बचन रिदा ध्यान तारी। धन गुरु अर्जन देव साहब फरमाउंदे मैं अपने गुरु दे बचना द्वारा अपने हिरदे च परमेश्वर दा ध्यान तारदा। जदों असीं गुरबाणी सुनदे आं सानू सीधा परमेश्वर चेते आउंदा। तो गुरु की जेड़ी ये पावन बाणी, गुरु के जेड़े पावन अमृत बचन ने, इना द्वारा महाराज जी कहिंदे मैं अपने हिरदे विच वाहिगुरु निरंकार परमेश्वर दा ध्यान तारदा हां। रसना जाप जपो बनवारी। रसना जाप जपो, मैं अपनी रसना नाल परमेश्वर दा जाप, किस दा जाप जपदा हां? बनवारी। संसार रूपी बन दा बगीचे दा माली अकाल पुरख, मैं उस दे जाप नू जपदा हां। सफल मूरत दर्शन बलहारी। मेरे साहब दी जड़ी मूरत है वह सफल है, फल सहित है, सफल मूरत है। ते जिस दी मूरत सफल है मैं उस दे दर्शन करके बलिहार जांदा हां। दुनिया दियां जिन्नियां मूर्तियां तुसी संसार विच वेखोगे, जे कोई शिल्पकार आवेगा तां उह शिल्पकार उहदे विच कोई ना कोई कमियां भी वेखेगा, गुण भी वेखेगा, कमियां भी वेखेगा ते गुण भी वेखेगा। जिन्नियां भी मूर्तियां बनदियां ने, चाहे उह किसे चित्र ते बनियां होण, चाहे उह किसे पत्थर दी काड़ ते बनिया होन, उहदे च गुण भी होणगे, उहनू कमियां भी दिसणगियां ते गुण भी दिसणगे। सोभा सिंह ने गुरु नानक साहब दा चित्र बनाया, चित्र बना के प्रदर्शनकारी विच भाई वीर सिंह जी नू सद्दा दिता भी चलो कोई प्रसिद्धि मिलदी है लै लवांगे। भाई वीर सिंह जी धार्मिक किते विच बड़े सत्कारत व्यक्ति ने, उहना कोलों उस चित्र दी कुंड चुकाई कहने आपां जिवें ओ रखा ली। दिल्ली विच समागम सी, पंथ दे इक प्रसिद्ध चित्रकार आर्टिस्ट होए सरदार हरदेव सिंह जी, वो भी उत्थे सन। भाई वीर सिंह जी नाल उहनां दा स्नेह सी सरदार हरदेव सिंह जी दा। भाई साहब जदों उस चित्र दे कोल गए तो कपड़ा पासे कीता पड़दा, ते भाई वीर सिंह कहिंदे मेरे साहब इहो जे नहीं सन। सोभा सिंह ने मत्थे ते हथ मारिया, मैं किहनू बुला लिया, इहनू मेरी कला दा की पता वी, इह चित्रकारी दी कला की हुंदी। भाई साहब यह कह के चले गए ते हुण हरदेव सिंह जी वाकई बड़े गहरे चित्रकार सन, कहिंदे मैं सोभा सिंह नूं पासे कीता ते पासे करके होले जे जाके कन्न च आखिया, सोभा सिंह जी जिहड़ा इह चित्र तुसी बनाया है इहदे विच तुसी मधुबाला दे होट बना दित्ते ने, उहदियां अखां बना दित्तियां ने, और एक दो हीरोइना होर लै करके उन्हां दी एक चित्रकारी जी बना के तुसी गुरु नानक साहब दी रूप दा चित्रण कीता, इहदे तों वध इहदे च कुछ नहीं है। कहिंदे सोभा सिंह दी अखां नीवियां हो गईआं वी इहने ते जो मैं बनाया सी जिथों जिथों लिया सी उह सारा कुछ दस दिता। मैं इह घटना तां सुणा रिहा कि दुनिया दे जितने भी चित्र बनाए जाणगे, दुनिया दियां जितनियां भी मूर्तियां बनाईयां जाणगियां, वो मूर्तियां उन्हां चित्रां विच जो भावना किसी मनुख दे हिरदे च हुंदी आ, वो संपूर्ण रूप दे विच उहदे च घड़न दा यतन करदा,
पर उत्थे बस नहीं हुंदा, उत्थे अंत नहीं हुंदा। और कई बार जेड़े भाव उत्थों प्रगट करना चाहुंदा वो प्रगट हुंदे भी नहीं। परमेश्वर दी मूर्त जो सर्वथाई व्यापक है और निराकार स्वरूप विच है, वो जैसा है वैसा है, उस मूर्त नू सफल किया जा सकता, उदे च कोई भी ऊणताई नहीं हुंदी। जो मनुख बनाएगा, जो मनुख दी कृति होवेगी, उदे च हजारां ऊणताईयां होणगियां। एक चित्रकार दूसरे चित्रकार दे, एक शिल्पकार दूसरे शिल्पकार दी बनाई हुई मूर्ति च कोई ना कोई कमी पेशी जरूर कट देगा। पर इत्थे जिस मूर्त दी गल महाराज जी कर रहे ने, उस मूर्त दी गल गुरु नानक साहब ने कीती है मूल मंत्र च, अकाल मूर्त, और वो सफल मूर्त है। इत्थे कह रहे ने, मेरे साहब दी जो मूर्त है सफल है, और मैं अपने साहब दी उस सफल मूर्त तो दर्शन करके बलिहार जांदा हां। चरण कमल मन प्राण अधारी, मेरे साहब दे जो पवित्र चरण कमल हन, ओ मेरे प्राणा दा आधार हन, मेरे प्राणा दा आसरा हन। रहाउ साध संग जन्म मरण निवारी, साध संगत दे द्वारा मैं अपना जन्म ते मरण निवार दिता। हां जी, अमृत कथा सुन करण आधारी, सतगुरां दी अमृत कथा नू कन्ना द्वारा सुन के मेरे मन नू आधार मिल गया। मेरा मन जो टिकदा नहीं सी, कथा सुन के मेरे इस मन नू आधार प्राप्त होया। काम क्रोध लोभ मोह तजारी, काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदि के जेड़े विकार ने, ओ मेरे साहब ने मेरे तो तजा दिते ने, दूर कर दिते हैं। दृढ़ नाम दान इशनान सुचारी, नाम दान इशनान और श्रेष्ठ आचरण नू मैं दृढ़ कर लिया। नाम दान इशनान और श्रेष्ठ आचरण सुचारी, सुचारी श्रेष्ठ आचरण, ओ मैं अपने हिरदे च दृढ़ कर लिया है। कह नानक एहो तत् बिचारी, धन गुरु अर्जन देव साहब फरमाउंदे हन कि मैं इस तत् नू विचारिया। राम नाम जप पार उतारी, के राम दे नाम नू जप के ही इस भव सागर तो पार उतरिया जा सकदा है। जिन्हां जपया उन्हां नू राम दे नाम ने पार उतार दिता है। सतगुरु जी कृपा करन, साडा ये गाव्या सुनिया थाए पवे। गुरु पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी अगाध बोध है। विचारां करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा अरदास करनी के सतगुरु जी अगे वास्ते सदबुद्धि और समत प्रदान करन। कल बसंत पंचमी दे जोड़ मेल हन, समूह संगतां ने वध चढ़ के हाजरियां भरनियां। अज रात नूं बार दीवान हाल विच कवि दरबार होणगे और सारी रात महाराज जी दी सोभा होवेगी। टाडी सिंह, कविशर सिंह गुरु साहब दा जस करनगे। कल सुबह अमृत वेले तो श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन दी आरंभता दरबार साहब दे हजूरी रागी वो हाजरियां भरनगे और सारा दिन दीवान सजणगे। और कल शाम तो 5 बजे तो रात 11 बजे तक बसंत दे दरबार दे जो बसंत राग दा दरबार है कीर्तन वह होवेगा, जिहदे विच पंथ दे प्रसिद्ध रागी सिंह हाजरियां भर रहे ने। इन्हां सारे समागमां विच आप जी हाजरियां भरो और धन गुरु तेग बहादुर साहिब नौवें पातशाह जी महाराज जी दीआं खुशियां प्राप्त करो। तन मन धन करके हथीं सेवा भी करो, गुरु के लंगरां विच आ के जिथे जिथे सेवावां हुंदियां हन, क्योंकि संगतां ने दूरों दरेडियों हाजरियां भरदियां हन, ते जिथे जिथे कोई तन करके सेवा कर सकदा है वह तन करके करे, जिथे तन करके आ तन करके, जिथे मन करके आ मन करके भी करे। घरां विचों भी जे कोई मातावां पैणा लंगर पका के लिया के प्रशादे वगैरा जां कोई कच्चा सीधा रस्ता बस्ता वो भी गुरु के लंगरां विच हाजर करके
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।